ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਗਾਓ ਹੈ ਸੈਣੀ ਮਜਰਾ। ਤੋ ਹਮ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਮੋਟਾ ਲਸਣ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕੇ ਦੋ ਕਾਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਸਕਾ ਜੋ ਲਸਣ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮ ਆਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਮੇ ਸੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦਵਾਈ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸੇ, ਉਸਕੋ ਗੱਠੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਲਸਣ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ। ਤੋ ਵਾ ਆਪਕੋ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਕੇ ਲੀਏ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਇਤਨੀ ਛੋਟ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਗੇਹੂੰ ਹੈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਹਮ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਤੋ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਮਈ ਕੇ 15-20 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸਕੀ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਵੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਪਟਾਈ ਕੈਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੈਂਪਲ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅਭੀ 2-4 ਪੀਸ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਖਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੋ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲਤਾ, ਕਹਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈਟ ਇਸਕੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਬਸ ਅੱਛੀ ਹਾਈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸਕੀ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਕਮਰ ਤੱਕ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਅੱਛੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗ੍ਰੋਥ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਕੋ ਸੈਂਪਲ ਅਭੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਸਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਇਸਕੀ ਪਟਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਖੁਰਪੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਕੀ ਪਟਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਹੈ ਲੇਬਰ ਲਗੇਗੀ ਇਸਮੇ ਆਰਾਮ ਸੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਇਸਕੋ ਕਰਤੇ ਹੋਏ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੇ ਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ, ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸਕੀ ਖੇਤੀ, ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਸਣ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਇਸਕੋ ਗੱਠੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਵੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਇਸਕਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ये देखिए, इसको बर्तन होएगा उसी के अंदर डालते जाएंगे, इसको ऐसे धूप में सुखाएंगे इसको, अभी थोड़ा पानी दे रखा है, ये गीला है थोड़ा, ये देखिए ये अच्छी क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, हमने बहुत सालों में क्वालिटी को बनाया है, तो इसकी सप्लाई हम काफी राज्यों में करते हैं। ये ऐसे ही इकट्ठा करना पड़ता है, ये जो गठी है, ये लहसुन का लहसुन बच गया हमारा, ये लहसुन हो गया, ये देखिए ऐसे इसको साथ में तोड़ना पड़ता है इसको, और इसमें जो मिट्टी में गिर जाते हैं उसको उठाना पड़ता है, उठा के इसको बर्तन में डालेंगे इसको। एक और दिखा देता हूँ आपको सैंपल के लिए, ये अभी 20 दिन और रुकेगा, तो इसका 20 दिन में ग्रोथ भी होएगा और ये ऊपर से पूरा ग्रीन है तो येलो हो जाएगा, ये पूरा पक जाएगा, ये अभी कच्चा है, तो इसका अगर हम कच्चा इसको खींच लेंगे खेत से तो इसका ख़राब होने का थोड़ा खतरा रहता है। हम अभी ये आपके सामने सैंपल हमने ये है खेत से, तो ये तो है लहसुन हमारा, मोटी पोथी वाला जो लहसुन बोलते हैं जिसको, इसकी इतनी मोटी पोथी होती है,
ये थोड़ा ऊपर से ख़राब हो गया, तो इसके नीचे से ये निकलती है, इसको कश्मीरी लहसुन बोलते हैं, कश्मीरी गार्लिक। तो ये मार्केट में बिकता है, दिल्ली भी बिकता है और काफ़ी जगह बद्दी साइड में फैक्ट्रियाँ वाले है। ये काफ़ी तरह के जो रोग है इंसान में उसमें काम आता है, जैसे मेन है गठिया, इसको गठिया है, ये 4-5 पीस सुबह ले निरने काल जा, जब कुछ खाया पिया नहीं है सुबह लेने इसको। अगर शहद में ले सकते हैं तो सबसे अच्छा है, शहद में डुबो के इसको रख दो, आप एक महीना पहले रख दो, एक महीने बाद में शुरू करो तो सबसे अच्छी चीज़ है वो। ना तो आपकी कभी कमर दर्द होगी, ना आपको कभी गठिए की शिकायत आएगी, और भी जितने भी जोड़ है कभी दर्द नहीं करेंगे आपको। तो ये उसी के काम आता है इसको छील के। तो इसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक इसका प्राइस है एक किलो का। तो लास्ट ईयर हमने 300 रुपये किलो बेचा था, तो कोरोना की वजह से थोड़ा रेट कम हो गया था। तो ये उसी के बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं हमारे पास आती है, टाई अप भी है उनके साथ, वो हमारा डायरेक्ट खरीद के लेके जाती है, वो बाद में क्या करती है पैकिंग करके इसको बेचते हैं। ठीक है, ये तो होगी गठिए की बात, कश्मीरी जिसको ये गार्लिक बोलते हैं। उसके बाद में आ गया लहसुन, ये लहसुन खाने के भी काम आता है। हमारा चंडीगढ़ के पास गांव है, तो हमारा चंडीगढ़ में एक अपना मंडी है जिसमें हम सब्जी मंडी बोलते हैं, उसमें लेके जाते हैं इसको, तो उसका प्राइस अच्छा मिलता है। लास्ट ईयर इसका प्राइस 120 रुपये था, 80 रुपये भी था, अलग अलग रेट है इसका, मतलब इसका मान के चलो 70-80 से कम नहीं होता, लास्ट 70 है इसका प्राइस, 150 भी चला जाता है इसका। तो ये बीज के काम भी आता है, बीज इसमें तीन कैटेगरी निकलती है अगर बीज के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक तो बड़ा ऐसे ही पोथी निकलती है, ये देखिए बीज के लिए, इसको जब ये पूरा ये इसकी पटाई होगी तो इसको हम 10 दिन धूप में सिकाएंगे इसको ऐसे ही, उसके बाद में यहाँ से काट देंगे, काट के इसको दो तीन दिन छाए में सिकाएंगे इसको। सिकाने के बाद में फिर इसको थैले में भर्ती करके इसका स्टोर कर लेंगे, या तो जिसने ऑर्डर दे रखा है ऑर्डर पे भी जाता है हमारा ये, मतलब जो इसका बीज के लिए जिसने मंगवाया है वो भी लेके जाते हैं, और दिल्ली वाले भी लेके जाते हैं इसको, ऐसे खेत से भी उठा लेते हैं, खेत से थोड़ा कम उठाते हैं, एक महीने बाद में ज़्यादा लेके जाते हैं। तो इसकी हम पूरा प्रोसेस कर देते हैं ना, एक महीने बाद में पूरा कटिंग वटिंग करके इसको साफ करके पूरा थैले में भर देते हैं, तो इसको हम बेच देते हैं। तो फिर इसका तीन तरह से इसका बीज है, एक तो ये देखो कितनी लेंथ है इसकी, अच्छा है, ठीक है। तो इसका ऐसा फिर यहाँ से कटिंग होगी तो इसमें से ऐसी पोथी निकलेगी, ये देखिए इसको ऐसे, जब ये सूख जाएगा तो ये अपने आप ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा गए आप तो ये भुर जाएगा, ये ऐसे, इसकी बड़ी मोटी पोथी होती है, ये इतनी मोटी पोथी होती है इसकी। तो इसको ऐसे हम जैसे दूसरा अपना देसी लहसुन बोलते हैं जिसको वो लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे इसको, तो उसमें से फिर ये बीज तैयार होगा। एक आता है गोल, बिल्कुल इसमें पोथी नहीं आएगी, इसी में से निकलेगा वो, जिस जहाँ पीछे जो खेत लगा हुआ है इसमें से निकलता है वो बीच बीच में, तो वो सबसे महंगा जाता है, उसमें ये गट्ठी नहीं रहेगी, पूरा गोल रहेगा, इतना पीस रहेगा पूरा गोल रहेगा वो सबसे महंगा जाता है हमारा, 150 रुपये किलो जाता है, बीज के काम आता है, जिसने आगे बीज तैयार करना, जैसे एक बीघे में लगा लिया आगे उसका एक किले का बीज तैयार हो गया, तो उसका जो रिजल्ट है वो ये है। इससे भी अभी 20 दिन और लेगा ये, थोड़ा और ज़्यादा होएगा ये मोटा तकड़ा और हो जाएगा, ये पूरा पूरा ग्रीन है, पूरा येलो हो जाएगा। तो इसका जो बीज है एक बीघे में वो 3 क्विंटल बीज लगता है, एक बीघे में जो निकलेगा 10 क्विंटल निकलेगा, जब पटाई करोगे आप तो 10 क्विंटल निकलेगा। और ये जो अपनी गट्ठी है ये वाली, ये खेत के हिसाब से, जैसे खेत में जितनी कितनी जान है उसके हिसाब से है ये 1 क्विंटल भी निकल सकता है, 1.5 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, ये खेत के ऊपर है। और इसमें यूरिया वगैरह नहीं यूज़ होता, सिर्फ एक बार यूरिया यूज़ होता है बस, स्प्रे वगैरह नहीं होती कोई भी, और इसमें देसी खाद यूज़ होएगी। अगर आप जितनी देसी खाद डालोगे तभी आपका ऐसा तैयार होएगा, अगर देसी खाद नहीं डालोगे आप तो नहीं तैयार होगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हम एक बीघे में कम से कम 4 ट्राली देसी खाद डालते हैं, जो आपकी नॉर्मल गांव में ट्राली होती है, पंजाब में ट्राला होता है, 4 ट्राली डालते हैं उसकी। तो आप किले के हिसाब से लगा लो कितनी ट्राली होगी, हमारे इधर तो लगाएंगे तो 15-20 ट्राली होती है, 15 एक किले में 15-20 ट्राली डालते हैं उसको, अच्छी तरह से बाई करके
कम से कम 6-7 बारी बहाते हैं उसको, बाही करते हैं उसकी, तो जाके खेत पूरा नरम होएगा, सॉफ्ट होएगा। जितना खेत नरम होएगा, सॉफ्ट होएगा, उतना ही अच्छा होएगा ये।